कृष्णा समस्या से भागल समस्या के हल ना होखेला। यहाँ सिर्फ हमार बाबूजी तोहरा के परेशान कर देले। वहां काल जब इंटरव्यू में जब पैनल के 6-7 लोग तोहके घेर के तोहसे तरह तरह के सवाल करी हैं, तब उनके जवाब कैसे देबू? का वहां से भी ऐसा ही रोवत भागेबू? तो स्कूल से कितना दिन के छुट्टी ले ले बाड़ू? वो कल से जाइब ना भैया, स्वाति दीदी के शादी रहल ना, ऐसे इतना दिन के छुट्टी मिल गई। अभी रहुआ अपन मुंह के तनी विश्राम दी, ताकि इंटरव्यू के तैयारी करे वाले के ध्यान भंग ना होके। अरे रहुआ लोग एहजे बैठल बाड़े, कृपया शांति बनोले रही। पापा ई का हो रहल बा? हम बीपीओ से टॉपर का इंटरव्यू ही तो पढ़त बानी, रवा ऐसे काहे सबके मुंह बंद करावत बाड़े? बेटा ही इंटरव्यू तो हर सपना के आखिरी पड़ाव बा, और हम ना चाहतानी कि मंजिल तक पहुंच के रावण ध्यान कहीं और भटके। रवा घर पे मिलिट्री शासन मत थोपा, हम आज तक जैसे पढ़त रहनी अब भी वहीं से पढ़ ले। लीही चाय ली। माँ हमार चाय? बेटा तू चाय मत पिया, तू दूध पिया, दूध पिए से दिमाग बढ़ेला। मिसेस सरस्वती राज रहुआ कृष्णा के इना बतौनी कि खाटी दूध बा? खाटी दूध तू मत पिया करा, खाटी दूध खाली लइका लोगन के पिए के चाहिए। अरे बबलू जी के फोन। प्रणाम बबलू जी। प्रणाम चाचा, कृष्णा से बात कराई ना? जी जी अभी है। बेटा बबलू जी के फोन बा, बाहर जाके बात कहला, वहां सिग्नल तनी साफ आए। का भइल, चाय अच्छा ना बनल? रहुआ जैसन तनी ज्यादा मीठा हो गए। अरे हमार बात समझत बाड़ू ना पिंकी, हमके तो लागत बना कि हम लोगन के उनके परिवार पे ना नजर बनावले रखे के चाही। अरे जाके तू देखा था कोयला खदान के घर में का हो रहल बा? हाँ मम्मी। जी सर, हम एक के जगह दोगो अखबार पढ़े शुरू कर देले बानी। शाबाश कृष्णा। ये राजनीतिक और करंट अफेयर्स के साथ साथ खेल समाचार भी पढ़ो, काहे के इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकेले। सर जॉन दरारा हुआ मदद और मार्गदर्शन से हम मेंस क्लियर कर ले बानी, बस अब वही तरह से हमार इंटरव्यू भी निकल जाए। कड़ा मेहनत करब सर, दिन रात एक कर दे। एगो बात हमेशा याद रखिया कृष्णा, सफलता वही के मिलेला जे किस्मत पना खुद पर भरोसा करेला। हम चाहत मानी कि तू काल से अपन इंटरव्यू के तैयारी शुरू करता, कल 12 बजे तक कोचिंग सेंटर पर आ जा। ठीक बा सर। ठीक बा। लीही ई पी लीही। इकाबा सत्तू ई पीए से राउर माथा ठंडा रही। आजकल बहुत गुस्सा आवेला रउआ के, कृष्णा के हाथे से प्रसाद ले लेती तो का हुई? हम तो केहू के प्रसाद ले लेती, पर कृष्णा कृष्णा के हाथ के प्रसाद हमके पसंद नहीं थे। रहुआ भीना,
छोट छोट बात लेके माथा गरम कर ले ले। अरे हमके कोनो शौक नहीं खे अपन माथा गरम करे के, पर अगर हमार मान और प्रतिष्ठा पे प्रहार होखी तो हम बर्दाश्त ना करा। जौन परिवार के खुशी खातिर हम इतना कुछ कहनी, वो परिवार हमरे अकेला छोड़ के हमार भूतपूर्व नौकर के यहाँ चल गए। भले ही लोग मुंह से ना बोले पर समाज हमार बारे में कहा सोची बोली। और भारा समाज के सामने उजे प्रसाद ना लिहले ओके बारे में समाज का कही का कहल चार बड़ो बोला बोला ना। इजे कल ये हमके दें और जाके गरम पानी लेके आई हमरा खाते जाई। हाँ बोला बिहारी, कहे फोन कैले इतना रात के? हमसे कल राउर खातिरदारी में कोनो कमी रह गेल रहल का? ना ना, हम तो ई सोच सोच के बड़ा परेशान होखत बानी कि हमार बेटी पिंकी राउर घर के बहू बने वाली बिया और राउर पूरा परिवार विद्या भैया से रिश्तेदारी निभावत बा। भैया जी, छोट मो बड़ बात, रउआ आयल त कल हमरे घरे रहनी, बाकी राउर पूरा परिवार रउआ के अकेले हमरा घर में छोड़ के अविद्या भैया के घरे चल गई। अत ई सब नजारा यहाँ मौजूद सब लोगन देखत रहले। और लोगन के का बा, उनका तो पंचायत करे खातिर मसाला चाही, राउर इज्जत के असली फिकिर तो हमके बा। अब देखी ना रउआ पिंकी के अफसर बनावे खातिर कितना मेहनत कर रहल बानी, और वहाँ बबलू जी लागल बाड़े कृष्णा के इंटरव्यू के तैयारी में। का बाना भैया जी, इस सब बात हम रउआ से कहल ना चाहत रहनी, बाकी कहब भी जरूरी बा, हमके तो ई लागत बा कि बबलू सिंह जी के रउआ पर कोनो नियंत्रण नहीं खे, ना तो राउर घर में उहे होखी जवन रउआ चाहती। काट दिले। का बात बा पिंटू जी, पिंकी जी के हाथ के कॉफी भी पिए नहीं? बस भाभी, बहुत हो गई, बस करी। अरे हम कहा कुछ कहत बानी, हम तो सोचत बानी कि राउर होखे वाला पत्नी पिंकी खूब भाग्यशाली होई, रउआ तो खूब समय दे हब ओके। हाँ तो एकरा में कौन बड़ बात बा भाभी, हम भी अपन पत्नी के उतना ही समय दे जितना भैया रउआ के देवेले। वो तो हम देखत बानी, कबो कॉपी कबो किताब और कबो कोचिंग, हमके तो ई लागे लागल बा कि जैसे ना एग्जाम राउर स्टूडेंट के ना बल्कि राउर खुद दे के बा। सरगम जी, बहुत सारा काम करे के बा जीवन में, कर लेवे दी, समय केहू खातिर ना रुकेला, और वैसे भी इस जीवन के का भरोसा, आज बा तो कल नहीं के। ऐसा मत कहीं रउआ, जीवन में रउआ अकेले थोड़े ना बानी, हम बानी रउआ साथे, सोनू बा, पूरा परिवार बा। अरे हम तो ऐसे ही बोलत रहे नहीं, रउआ तो सीरियस हो गई नहीं। मजाक में भी ऐसा ना बोले के चाहिए, आगे से सन मत कहब। अब ना कहब, खुश? वैसे ये बात तो माने के पड़ी भाभी के रउआ के दुनिया के सबसे अच्छा पति मिलल बाड़े। अब ई मत कहिया कि हम अपन भैया के बड़ाई करतानी,
राउर ना। पिंटू सिंह, अब तू चुप रहा। ओके। भाभी, हम जाते हैं। अब बिस्तरा से नीचे उतर राजकुमारी जी। अच्छा दीदी, ये दोनों हाथ में से एगो हाथ पकड़ा। पकड़ा ना दीदी, हम देखे चाहत बानी कि तुहार इंटरव्यू कैसन जाई। हमके ना सपना पे विश्वास बा और ना किस्मत पे, हमके विश्वास बा खुद पे और अपन मेहनत पे। बबलू सर हमके बोले बारे कि जे साहस के साथे मेहनत करेला ना, अंत में जीत ओकरे होखेला। बाबूजी, प्रसाद ले ही। हम जाना था नहीं बहू, इतना पुरान आदत इतना आसानी से ना छूटेला। और तू सिर्फ हमार बहू ही नहीं खू, हमार बेटी भी बाड़ू। बतौले रहनी ना तोहरा के, यही से था एक बात बा जौन जौन हम सबसे पहले तोहरा के बतावल चाहतन। समझ में नहीं के आवत कि तोहरा के कैसे बताई। बहू ही बबलू सी के लेके हम बहुत दुखी बानी। उ हमार बात ही ना सुनेला। बहुत बहुत बड़का मास्टर जी हो गेल बाड़े ना। बात का बा बाबूजी, रउआ हमरा से कहीं तो हम इनके समझा दे। अरे का बताई बहू, जेकर जवान बेटा के जीवन पे खतरा होके वो बाप के का हाल होगी। अरे जब से ओकरा शिक्षा केंद्र के अच्छा रिजल्ट देले बा, तब से कुछ शिक्षा माफिया लोग ओकर ओकर दुश्मन बन गए बाड़े। और लोग कुछ भी कर सके, कुछ भी। अरे का गुंडागर्दी मचोले वाली। जाके बोल दे बबलू सिंह के बंद करे पढ़ाई लिखाई। हमके तो खबर मिला है कि वो माफिया लोग कभी भी हमला कर सकेले। ना ना, ये समय बबलू सिंह के भागलपुर में रहल बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बंद कर। अरे अरे अरे, चल 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 बाहर निकल, बाहर जाओ, चल नहीं जा, चल बाहर चल बाहर। और हमार कैसे तो मन है ना, तू ही ओकरा समझावा, कैसे भी करके ओकरा 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 कुछ दिन अपन माई बापे के यहाँ लेके चली जा। अरे शिक्षा माफिया तो कुछ भी कर सकेला। अरे जवन लोग टुनटुन सिंह के परिवार पे हमला करे के हिम्मत रख सकेला, वो तो केहू के भी जान ले सकेले। ना ना बाबूजी, ऐसा मत बोली बाबूजी। हम आज ही उनके समझाई और यहाँ से लेके अपन मायके चल जाई। शाबाश बहू, जियत रहा। यह तो हम चाहत रहने कि तू आज ही बबलू सिंह के लेके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा। उकाबा ना जान से बढ़ के कुछ ना होके। बोल दे बबलू सिंह के बंद कर देवे कोचिंग सेंटर, ना तो अच्छा ना होगी, ना ओकरा खातिर ना तोहनी सब खातिर। अरे बबलू भैया, अरे बबलू भैया सुनी। का कहत बड़ा, हमार कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ हो रहा बा। भैया का भइल, पिंटू कोचिंग सेंटर पर क्यों तोड़फोड़ कर रहा बा? का चली हम भी रहुआ साथे चलत आनी। आई एक मिनट, कहाँ जा रहा बड़ा, कहाँ जा रहा बड़ा बबलू सिंह? बाबूजी, भैया के कोचिंग सेंटर में कुछ लोग तोड़फोड़ करा तड़े, हमनी के उन्हें जाता नहीं।
पुलिस रिपोर्ट भी करे के होई। चली भैया। अरे पुलिस कुछ ना कर पाई भैया, ऐसा लोगन के पहुंच बहुत ऊपर तक हो खेला। बाबूजी पहुंच ऊपर तक भेल ते का भेल, हमने के वहां जाके देखे के तो पड़ी उ लोग बाड़े के। ए ससुर कोचिंग सेंटर चलाइबे हमरा होक तक कोचिंग सेंटर। केहू कहीं ना जाई, सुनला हम का कहनी, केहू कहीं ना जाई मान। लेकिन वहां तोड़फोड़ हो रहल बा। बंद कराए शिक्षा केंद्र। भैया हम सब कुछ पता लगा ले हब, जेकरा पीछे के बा उ चाहत का बा, पर अपन सुरक्षा के दांव पे लगा के ना। हर चीज के समय हो खेला भैया का बहू। जी बाबूजी, देखी अब हम रउआ के एक पल खातिर भी यहाँ ना रह देव। रउआ रउआ चली हमार साथे, हम कुछ दिन खातिर मायके जाके रह लेब। पागल हो गई बनी रुआ। अरे पागल ही ना, पागलपन तो तू कर रहा बड़ा मास्टर साहब। अरे हम तो उसे बोल ली ना कि हम पता लगा ले हम कि के ही करे के हिम्मत कैलस। जब तक पता नहीं चले तू चल जा कुछ दिन खातिर बहू के मायके। गंगा देवी रउए समझाइए करके, हम एक दुश्मन बानी का। बबलू भैया, बबलू भैया। गिरधारी गुंडा लोग कोचिंग सेंटर पर हमला कर देले बाड़न, हम बड़ा मुश्किल से जान बचा के भागल बानी। के सोनू के कसम, रवा के हमार बात माने के पड़े। रवा चली हमार साथे। देखी हम रवा से आज तक कुछ ना कहनी, लेकिन आज रवा के हमार बात माने के ही पड़ी। भैया रुआ सोचत का बानी, भाभी बिल्कुल सही कहा था नहीं, रुआ के कुछ दिन खातिर यहां से जाए के चाहिए। देखा बबलू, अगर दो चार दिन बाहर चला जाए से सब कुछ ठीक हो सकेला तो काहे का परेशानी। हमार बात माना, चला जा बेटा। रहुआ समझाई ना बबलू के। हाँ 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 हम समझाओ था नहीं। देखा मास्टर, हम जानी ले कि तुहार विचार हमरा से मेल ना खाए, लेकिन हम आज तक तुहार काम में कोनो कोनो रोक टोक कहले वानी का नानू, पर ये बार बात तुहार जीवन के बाप। अरे हम तुहार बाप है। और एक बाप होखला के नाते हम हाथ जोड़ के तोहरा से विनती करता नहीं, तनी दिन खातिर बहू के साथ ओकर मायके चल जा, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हम खुदे आए तोहरा के ले आवे खातिर, हम खुदे आ जाए बस। हम बेकारे कोशिश करता नहीं, हमार बात तक वो मनी है ना, कब वो ना मनी है। ठीक बा, रुवा लोग परेशान मत होके, हम चल जाएंगे।